नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया। आज हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा में फ्लो चार्ट और डायग्राम के इम्पोर्टेंस के ऊपर। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा या राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में जो मुख्य परीक्षा या मेंस का एग्ज़ाम होता है, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस निबंध, जब हम इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न या वस्तु परक प्रश्नों के आंसर लिखते हैं, 150 शब्द, 200 शब्द, 250 या उससे ज़्यादा शब्दों के आंसर, हम कैसे अपने उन आंसर को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं या कैसे उन आंसर्स में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर पाने का कई सारे तरीकों में एक बहुत अच्छा तरीका होता है फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज करना। हम जिन बातों को डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं, व्याख्यात्मक रूप में लिखते हैं, अगर हम उनका फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण भी कर दें, तो हमारा आंसर न केवल ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है बल्कि कम शब्दों में हम अपनी बात को भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में नंबर भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे, चाहे वो विषय लोक प्रशासन हो, जीएस का कोई भी सेक्शन हो और या फिर कोई अन्य विषय क्यों नहीं। बहुत सारे फ्लो चार्ट और डायग्राम ऐसे हैं जो अथोराइज्ड हैं। अथोराइज का मतलब कि उस विषय से जुड़े हुए बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। हम उनका प्रयोग तो करें ही, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करते हुए हम अपनी तरफ से भी कई नए डायग्राम या फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं और आंसर में उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, लोक प्रशासन विषय में एक विद्वान है, अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी या आवश्यकता पदसोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं बताई। अब हम उन 5 आवश्यकताओं को दिखाने के लिए एक पदसोपान बना दें और वो 5ों आवश्यकताएं इस पदसोपान में दिखा दें। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर सम्मान संबंधी आवश्यकता और फिर स्व पहचान या आत्मसिद्धि आवश्यकता। तो 5ों आवश्यकताओं को दिखाने के लिए हम एक पदसोपान बना दें। पदसोपान बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। हम संगठन का ढांचा पिरामिड नुमा भी बना सकते हैं और या सीढ़ी नुमा ढांचा बना सकते हैं। दोनों में हम मैस्लो की 5ों आवश्यकताएं दिखा दें। कम शब्दों में हमारी बात स्पष्ट है कि हम क्या कहना चाहते हैं या मैस्लो ने क्या कहा। तो जब हम आंसर लिख रहे हैं, मैस्लो के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, साथ में एक इस तरीके से हम डायग्राम बना दें, वहाँ कम शब्द होंगे, समझ ज़्यादा बेहतर होगी। इसी तरह से और हम देख सकते हैं, चेस्टर बर्नार्ड ने योगदान, प्रतिफल, संतुलन नियम का प्रतिपादन किया। बर्नार्ड ने कहा कि कोई भी व्यक्ति संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में योगदान देता है, बदले में संगठन के द्वारा
व्यक्ति के लिए प्रतिफल की व्यवस्था की जाती है। जब तक योगदान और प्रतिफल में संतुलन हो तब तक ये व्यवस्था चलती रहती है। प्रतिफल आर्थिक भी हो सकता है, गैर आर्थिक भी हो सकता है, उसके सम्मिलित परिणाम स्वरूप व्यक्ति को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जब तक योगदान और संतुष्टि के बीच में संतुलन होता है तब तक ये व्यवस्था चलती रहती है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हम व्याख्या कर रहे हैं और साथ ही में एक फ्लो चार्ट भी है, मुश्किल से 8-10 शब्द लिखे गए हैं और व्याख्या हो गई है चीजों की। जब हम आंसर लिखते हैं हमें आंसर पूरा व्याख्या तो करनी ही है, लेकिन साथ में हम ये फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करते हैं। कम शब्दों में सारी बात स्पष्ट है, परीक्षक को सामने दिख रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट की विषय की समझ आपके पास कितनी है या नहीं है। तो अब ये इस तरह के डायग्राम है जो हम अपनी तरफ से जिनको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं बहुत सारे। क्रेसर ग्रेस ने संगठनात्मक परिवर्तन की रणनीतियां बताई हैं, 4 रणनीतियां बताई। हम एक बॉक्स बनाएं बीच में, संगठनात्मक परिवर्तन की रणनीति लिखें, बॉक्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, चारों रणनीतियों को लिख दें। पहली रणनीति बताई संगठन की संशोधित विचारधारा, दूसरा अपरिपक्वता परिपक्वता सिद्धांत, तीसरा संवेदनशीलता प्रशिक्षण और चौथा व्यक्तिगत सामर्थ्य का विकास। तो हम व्याख्या करें लेकिन साथ में एक चित्र भी बना दें साथ में कि संगठनात्मक परिवर्तन की रणनीति सेंटर में लिख के चारों तरफ चारों जो रणनीतियां हैं उनको दिखा दें। तो फिर कम शब्दों में हम अपनी बात को रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। 2005-06 में डिजिटल एरा गवर्नेंस की संकल्पना आई, डिजिटल युग गवर्नेंस में 3 तत्वों या 3 विशेषताओं पर बल दिया गया। एक त्रिभुज बना दो बीच में, डिजिटल एरा गवर्नेंस लिख दें। 3 तत्व तो तीनों कोनों पे एक एक तत्व दिखा दें। एक था पुनः एकीकरण, दूसरा आवश्यकताओं पर आधारित संपूर्णवाद, तीसरा डिजिटलीकरण। और भी तरीके हो सकते हैं प्रस्तुतीकरण के, तो हम व्याख्या भी करेंगे लेकिन हम चित्रात्मक प्रस्तुति भी कर सकते हैं। और जब भी हमारे आंसर में इस तरीके के चित्र होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फ्लो चार्ट जैसे हम देखते हैं, विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विक्टर ब्रूम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में योगदान देता है या प्रयास करता है, प्रयास तभी करता है जब उसे यह भरोसा हो
कि उसके प्रयास का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में अगर प्रयास बेहतर पाए जाएंगे तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार ऐसा होगा जिससे उसके जीवन के जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया, तीन तरह के संबंध बताए हैं विक्टर ब्रूम ने, उनकी चर्चा कर दी। पहला हो गया प्रयास मूल्यांकन संबंध, दूसरा हो गया मूल्यांकन पुरस्कार संबंध, तीसरा हो गया पुरस्कार व्यक्तिगत लक्ष्य संबंध। तो दोस्तों, हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि हम चाहे तो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे अपना ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, इस तरह के बहुत सारे फ्लो चार्ट डायग्राम हम बना सकते हैं। कुछ तो जो हमने कहा ऑथेंटिक, किसी बड़े विद्वान के द्वारा दिए गए वो, लेकिन अपनी तरफ से भी हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के चित्र डायग्राम बना सकते हैं, आंसर में यूज कर सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस, और ऐसा करके हम अपने आंसर को ज़्यादा स्कोरिंग बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आंसर लिखें इस तरह के चित्रों डायग्राम का ज़रूर प्रयोग करें, आप देखेंगे कि पहले की तुलना में आपके नंबरों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।